साल 3x² - 2√6x + 2=0, ये क्वेश्चन हमारा पिछली साल एग्जाम में आया था और करने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन देखिए जैसे मैंने आपको रूल बताया सेम उसी प्रकार से इसको करेंगे। थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन, लेकिन देखिए कैसे हम करते हैं। 3x² - 2√6x + 2। मेरा पहला तरीका क्या था कि तीन से पहले दो में गुणा कराएंगे तो तीन दुना हो गया छह, 6x² गुणा करने पे आना चाहिए 6x² और जोड़ने पे आना चाहिए 2√6x - 2√6x। तो यही दोनों हमको प्रक्रिया अपनानी है। तो गुणा 6 और 2 से किए हैं आप, तो आप जानते हैं कि √6 और प्लस √6 यदि हम करते हैं या −√6 − √6 करते हैं तो हो जाएगा −2√6। तो आप देख सकते हैं −2√6 मिल गया, और 6 का 6 में गुणा कराएंगे तब भी आपको 6 × 6 आपको मिलेगा 6। तो देख रहे हैं गुणा कराने पे आपको 6 आ गया और जोड़ने पे भी आपको −2√6 आ गया। तो आपको फैक्टर क्या मिल गया, 3x² − √6 और −√6 x होगा, तो यहाँ पे x लिख लेंगे और +2=0। यहां से आपको कॉमन क्या मिलेगा, अब देखिए यहीं पे कॉमन की बारी आती है कि कॉमन लेंगे कैसे। देखिए ये दोनों मान हमारे रूट में है, तो इसको भी रूट में करिए, इसको भी रूट में करिए। तो तीन को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख देंगे, क्योंकि रूट का रूट में गुणा कराएंगे तो तीन ही होगा, x² और −√6x, यहाँ पे भी −√6x, और इसको भी आप रूट में चेंज कर दीजिए √3 √2 × √2 = 0। यहां पे आ गया आपका √3 × √3 x², इसको भी आप बदल दीजिए √3 × √2 लिख सकते हैं इंटू एक्स −√3 × √2 × x, तीन दुना छह ये भी होगा, तीन दुना छह ये भी होगा, फिर यहाँ पे +√2 × √2 = आपको मिल जाएगा 0, = 0। अब देखिए कॉमन की बारी आती है तो कॉमन हम आसानी से ले सकते हैं। देखिए यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों कॉमन हो जाएगा √3x कॉमन होगा, तो √3 यहां से निकला, एक x यहां से निकला, तो √3x बच गया, −√3x निकल गया तो √2 बच गया, माइनस यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो ये √2 कॉमन हो गया, यहाँ बच गया आपका √3 और प्लस √3x, यहाँ माइनस आपने कॉमन लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बच गया यहाँ पे √2, क्योंकि एक निकल गया तो एक बच गया। अब यहां से देखिए दोनों पार्ट फिर से हमारे सेम है, इसको एक बार लिख लेते हैं √3x − √2, ये एक फैक्टर हो गया, √3x और −√2 ये एक फैक्टर हो गया। अब यहां से जीरो को अलग अलग करके देखिए √3x − √2 = 0, तो यहां से आपको मिल जाएगा √3x = √2, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर मिल गया आपको √2/√3, तो ये आपको एक मूल मिल गया। इसी तरीके से दूसरे मूल को भी हम निकाल लेंगे, सेम वही है √3x − √2, तो सेम करेंगे जब आप, तो √3x = ये हो जाएगा √2, तो x बराबर ये भी आ गया √2/√3। इस तरीके से आपके दोनों मूल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 एक रूट में करके, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं √2/3। तो इस तरीके से आपके दोनों मूल बहुत ही आसानी तरीके से देखिए दोस्तों ज्ञात हो गए, और अब जाके आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है, ना ही आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई है। जब भी आपको रूट का सवाल आएगा तो सभी पार्ट को आप रूट में कन्वर्ट कर देंगे और कॉमन ले लेंगे, बस यही आपका क्वेश्चन था, और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसको जरूर एक बार रिवाइज करिएगा। थैंक यू।